आज सुबह मैं नींद से जागा और उसके बाद मैं अपने YouTube स्टूडियो ऐप को खोल के देखा। मैंने देखा कि मैं लास्ट वीडियो आज से 2 महीने पहले डाला था, जिसको देखने के बाद मुझे होश आया कि मुझे अब फिर से वीडियो बनाना चाहिए, और इसलिए मैं चलाया अपना मुंह उठा के। खैर, मजाक को रखते साइड में, लेकिन आज हम इस वीडियो में जो चीज करने वाले वो मजाक से हटके है, क्योंकि आज हम बनाने वाले अपने पहाड़ीपुर की वर्ल्ड के अंदर एक बढ़िया सा फुल्ली ऑटोमेटिक स्टोन फार्म। अब सोच तो लिया, पर यही नहीं पता कि कैसे बनाऊंगा। तभी मेरे 200 IQ वाले दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना यूट्यूब पे ही सर्च किया जाए। अब मैं जिस वीडियो को देख रहा था उन्होंने मुझे एक लिस्ट थमा दी। मैं समझ गया भाई, इन सारी चीजों को कलेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्टोन फार्म नहीं बनेगा। लिस्ट में कुछ ऐसे भी चीजें थी जो हमें अपने बेस के अंदर नहीं मिल सकता था, जैसे कि कोरल हो गया, आइस ब्लॉक और स्लाइम ब्लॉक और लावा बकेट। वैसे लावा तो हमें ढूंढने पे शायद मिल भी जाएगा, लेकिन कोरल और स्लाइम के ब्लॉक मिलना थोड़े से मुश्किल है। और इन सारी चीजों को कलेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा सिल्क टच अपने पिकेक्स के अंदर। इसलिए मैं चला गया था अपने विलेजर्स के पास, और वहां पे जाके देखा कि ये लोग बड़े ही नहीं हुए थे अभी तक। इसलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़े से एक्सप्लोर करके आते हैं, तब तक ये लोग बड़े हो जाएंगे और आके हम इनसे ट्रेड करके सिल्क टच ले लेंगे। लेकिन उससे पहले सेडर को कर देते हैं ऑफ। आ गए हम असली औकात पे। अभी मैं जाने वाला हूँ पानी के रास्ते से, क्योंकि हमें जाना है ओशियन तक। और मैं इस अपने आयरन फार्म को तोड़ दिया था क्योंकि ये सही से काम नहीं कर रहा था। ओए विलेज, इस साइड में एक विलेज है। ये वो वाला विलेज नहीं मैं जहाँ पे रहता हूँ, एक दूसरा विलेज है। और इस विलेज के अंदर जाते ही मुझे सबसे पहले एक क्लैरिक का घर दिखा। वैसे तो और कुछ खास चीजें मिली नहीं इस विलेज के अंदर, पर इस विलेज से थोड़ी दूर मुझे एक और विलेज दिख गई थी। मैं फटाफट से भाग के उस विलेज के अंदर गया, और उस विलेज के अंदर जाते ही मुझे उस विलेज की एक साइड पे थोड़े से लावा दिखी और दूसरे साइड पे एक नेदर रुइन पोर्टल दिखा। चलो चल के देखते हैं उस पोर्टल की चेस्ट में क्या मिलती है हमें। वैसे चेस्ट के अंदर कुछ खास चीजें तो नहीं मिली, बट इधर जितने भी ऑब्सीडियन है ना, मैं सबको कलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्सीडियन का आगे बहुत काम है। और इस पोर्टल के बगल से मुझे एक और लावा बकेट मिल गई थी, यानी कि मेरे पास अभी 2 लावा की बकेट है। और थोड़ी देर चलने के बाद मैं पहुंच गया था उसी एंड तक। और इधर आने के बाद मैंने देखा एक टर्टल को, जिसके साथ मैं थोड़ी देर तक स्विमिंग की, और उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ देख सकते हो। मजे मजे में कब सांस फूल गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और उसके बाद मैं पास पड़े एक शिप रैक तक गया उस शिप रैक को लूटने के लिए, बट मुझे वहां पे चेस्ट ही नहीं मिली। तो उसके पास में ही एक डार्क ओक की फॉरेस्ट थी, इधर से मुझे मशरूम भी मिल गए थे, मैंने वो भी कलेक्ट कर लिया। सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद मैं निकल गया ओशियन में, और थोड़ी दूर जाने के बाद ही मुझे एक ओशियन मॉन्यूमेंट दिखा। बट इसके अंदर हम अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं अंदर क्या क्या छुपा होगा। और आगे मुझे जितने भी शिपरैग मिल रहा था ना, मैं सबको लूट रहा था। और इस रुइन पोर्टल को कैसे छोड़ दे, 2 गोल्ड की ब्लॉक लगी हुई थी भाई इसमें। लालच देख रहे हो, और इसी लालच के चलते मेरे साथ आगे जाके एक हादसा होने वाला है, आप खुद देख लो। और इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से माइनक्राफ्ट खेलना। और वो तो अच्छा हुआ कि मैं जहाँ पे मरा था वो जगह मेरे रिस्पॉन पॉइंट से ज़्यादा दूर नहीं है। तुम्हें अभी इस टाइम पे ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतना सब कुछ होने के बाद सुधर गया हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रास्ते में मुझे एक और शिपरेक दिखा, तो मैं उसमें भी कूद पड़ा। शाबाश बेटा। और ये सस्पिशियस 2 क्यों है इस गेम में, इसे हटाओ यार। अभी मैं उस जगह पे था जहाँ पे मैं मरा था, सारी सामान को कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद आगे निकलता है इधर से। इसका नाम क्या है मैं भूल रहा हूँ अभी, बट कोई नहीं, ये जगह मिल गया है मुझे। और इधर रात के टाइम में स्लाइम स्पॉन होता है, और ये जगह मेरे घर के बहुत ही नज़दीक है। और इस बायोम के अंदर मुझे एक घर मिला जो कि मेरे ख्याल से विच का ही होता है। हाँ, वो सामने खड़ी हुई है ना विच दीदी हमारे। मैं थोड़ा सा हिम्मत जुटा के इस घर के अंदर जाने का सोच रहा था, कि देखने के लिए इस घर के अंदर अगर कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए हमें। इस घर के अंदर जाते ही मैंने देखा भाई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है।
लेकिन इस बार में जो ये नीला फूल मिलता है ना, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है डेकोरेशन के लिए, तो मैं इधर से सारा फूल उठा लिया था। उसके बाद मैं जब घर आया तो देखा एक ट्रेडर भैया स्पॉन हुए थे मेरे बेस पे, और वो बंदा मुझे सेल कर रहा था स्लाइम बॉल्स, इसीलिए मैं अपने विलेजर से थोड़ी सी ट्रेडिंग करी और उसके बाद उससे थोड़े से स्लाइम के ब्लॉक खरीद लिए, मतलब बॉल्स खरीद लिए, लेकिन उसने ज़्यादा दिया नहीं, बस 5 ही दिया। मैं थोड़ा सा निराश होकर निकल गया फिर से, और इस बीच मैंने सिल्क टच भी ले लिया था अपने विलेजर से ट्रेड करके। मैं अभी जो इस बायोम पे खड़ा हुआ हूँ, एक दूसरा वाला बायोम है, आप देख सकते हो इधर विलेज है, और मेरे घर के पास वाले जो बायोम है ना, वहाँ पे कोई विलेज नहीं है, तो ये दूसरा वाला बायोम है, यही कहना चाह रहा था मैं। समझ गया। सुबह होते होते मेरे पास बस एक ही ब्लॉक था स्लाइम के, लेकिन कोई नहीं, आगे चल के ढूंढते हैं कोरल, क्योंकि स्लाइम के वो वाले बायोम तो मेरे घर के बगल में भी है, वहां से मैं स्लाइम का जुगाड़ कर लूंगा, बट अभी मुझे चाहिए कोरल। 3 days later फाइनली बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद मुझे वो चीज मिल गया जिसका मुझे बरसों से तलाश था, यानी कि ओशियन का वो जगह जहाँ पे कोरल पाए जाते हैं। देख रहे हो इधर बहुत सारे कोरल है, और मैं इधर से सारे कोरल लेके जाने वाला हूँ, जितना मैं लेके जा सकता हूँ उतना लेके जाऊंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से ढूंढा है भाई। देखा कहाँ पे तीर मारा इन लोगों ने, बताते हुए भी शर्म आ रहा है मुझे। वैसे मेरे पास अभी बहुत सारे स्लाइम के ब्लॉक हो गए थे, अभी चलो घर चलते हैं और बाकी के चीजों को भी कलेक्ट करना पड़ेगा। पर घर आके मैं काफी देर तक अपने स्टोन फार्म पे एप के किया, जिसे मुझे ढेर सारा स्टोन मिल गया था। उसके बाद मैं रेड स्टोन लेने के लिए केव के अंदर जाने का डिसाइड किया। केव के अंदर जाते ही काफी ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए मैंने सोचा ग्लोइंग ऑर्क का रिसोर्सेस पैक को एक्टिवेट किया जाए, कम से कम मुझे इतना तो दिखे कि कहाँ पे कौन सी ओर है। और मैं काफी देर तक इस माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर किया। अभी इस केव के अंदर बहुत टाइम हो चुका है, और आप देख सकते हो मेरे इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारे रेड स्टोन है, और मुझे इस केव के अंदर बहुत जगह पे डायमंड मिले थे। मैं इस केव को पूरा तो एक्सप्लोर नहीं किया, अगर मैं इस केव को पूरा एक्सप्लोर किया होता हो सकता है मुझे और थोड़े से डायमंड ज़्यादा मिल जाते। अभी के लिए इतना काफ़ी है, चलो फिर चल के स्टोन फार्म भी तो बनाना है। मैं अभी इस फार्म को इस साइड में बनाऊंगा जहाँ पे मेरा ये मॉब फार्म है, क्योंकि मैं इस मॉब फार्म को इधर से हटाने वाला हूँ, क्योंकि ये भी नहीं काम करता यार। मैं मेरे वर्ल्ड में जो भी चीज बनाता हूँ वो काम ही नहीं करता, पता नहीं क्या चल रहा है इधर। बस ये स्टोन फार्म काम कर जाए, बस इतना काफी होगा। और मैं आपसे मिलता हूँ इन सारी कामों को निपटाने के बाद, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे न्यू हूँ तो पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करो। अब चलो इस फॉर्म को स्टार्ट करके देखते हैं।
अरे ये तो टूट गया, मुझे लगा ही था ये भी काम नहीं करेगा। हो सकता है मैंने किधर गलती की होगी तभी ये काम नहीं किया। पहले तो मुझे लगा इधर मैं जो स्टोन के जगह पे स्टोन की ब्रिक्स लगा दी थी इसके वजह से नहीं टूटा, टीएनटी ऊपर ही फट गया, बट ऐसा नहीं है। मैं इस फार्म को 7 से 8 बार बना चुका हूँ और 7 से 8 बार ये टूट चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद मैं भी टूट चुका था अंदर से। तभी मेरे अंदर से एक आवाज आया जिसने मुझसे कहा, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लाल। उसके बाद जाके मुझे पता चला कि इसमें गलती कहाँ पे मैंने की थी। ये देखो, एक साइड का स्टोन सही से काम कर रहा था, एक साइड का स्टोन जनरेटर सही से काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। बट इस साइड में देखो 4 रिपीटर आने वाला है, लेकिन मैंने लगाया कितना, 3। देखो इस साइड में 4 लगा हुआ है तो इस साइड में सही चल रहा है सब कुछ, बट इस साइड में मैंने क्या किया, इसे 1 ब्लॉक तक आगे लेके आ गया। यानी मुझे इस पूरे जगह को हटाना पड़ेगा, इस पूरे जगह को हटा के मुझे 1 ब्लॉक पीछे लेके जाना पड़ेगा, यानी कि सारा कुछ तोड़ना पड़ेगा मुझे फिर से। कोई नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। Few moments later. फिर देर तक मेहनत करने के बाद मैंने सारी चीजों को ठीक कर दिया है, अब सारी चीजें सही से काम कर रहा है। ये देख के मुझे इतना खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता आपको मुझे कितना खुशी हो रही थी इस टाइम पे। और आज का हमारा ये वीडियो यही पे खत्म होता है। मैं मिलूंगा आप लोगों से किसी एक और न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग चिल करो यार।